राम 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 जी। क्या हाल है सारे का? रियल इंडिया चैनल पर सारे साथियों स्वागत है भाई। आज तीन धमाकेदार अपडेट दूंगा भाई बारी बारी से, तो वीडियो को भाई शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जो पूरी अपडेट समझ में आ पाएगी। पहले अपडेट दूंगा कि भाई जो साथी MPSW का डिप्लोमा कर रहे हैं और उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो वो काफ़ी समय से जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो है वेट कर रहे हैं। और कई साथियों जो बार बार मेरे पास मैसेज भी आ चुके हैं कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, और मैंने उनको पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम जो है ख़त्म होने के बाद करीब ये लगा लो कि महीना डेढ़ महीने बाद जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो वही बात आ गई भाई, तो एक डेढ़ महीना तकरीबन हो चुका है एग्ज़ाम को, तो अब जो है इसको लेकर के एक लेटर जारी हुआ है भाई, और वो लेटर जो है ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार हरियाणा नर्सिस एंड नर्स मिडवाइफ्स काउंसिल पंचकुला को लिखा गया है, और उसमें जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर के जो ये लेटर लिखा गया है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन किन किन की होनी है, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो ANM GNM और MPSW मेल, इनकी जो है सितंबर अक्टूबर 2023 में जो है इनकी एग्ज़ाम हुए थे, और अब इनकी जो है जल्द ही जो है प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भी जो होंगे। तो दोस्तों आप जो है वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी साथियों तक जो अपडेट पहुंच सके। और इस लेटर में क्या कुछ, इसमें ये बताया गया है कि काइंडली रेफर टू योर ऑफिस लेटर नंबर इतना और डेटेड 6/11/2023 ऑन द सब्जेक्ट सिटेड अबो। तो जो ये लेटर नंबर दे रखा है, इस लेटर नंबर के अनुसार जो 6/11/2023 को इस सब्जेक्ट पर जो है क्या किया जाता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली डायरेक्ट द अंडर मेंशनड गवर्नमेंट स्कूल्स टू अरेंज टू सप्लाई द लिस्ट ऑफ एलिजिबल एग्जामिनर विद ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर टू द ऑफिस एट लिस्ट अर्लिस्ट। भाई जितने भी हरियाणा के अंदर MPSW ANM और GNM के कॉलेज हैं जो ANM GNM और MPSW का कोर्स करवाते हैं, उन सभी को जो बताया गया है कि सभी से निवेदन है कि जो आप अपने एग्ज़ाम के जो है जितने बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम होना है प्रैक्टिकल का, तो उन सभी की लिस्ट जो है ईमेल के माध्यम से जो हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन तक जो पहुँचाने का कष्ट करें ताकि उनके जो प्रैक्टिकल ली जा सके। तो कौन कौन से कॉलेज में भेजने हैं, एक तो है गवर्नमेंट ANM ट्रेनिंग स्कूल नारनौल, दूसरा गवर्नमेंट ANM ट्रेनिंग स्कूल फरीदाबाद, तीसरा गवर्नमेंट ANM ट्रेनिंग स्कूल मेवा, चौथा MPSW मेल ट्रेनिंग स्कूल सोनीपत, और पांचवा जो है स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर रोहतक। तो इन सभी को जो है ये जो है भेजना है डिटेल अपने अपने जो है एग्जामिनर्स की, इतने बच्चे हैं और इन बच्चों का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम होना था कि वो जो अपने अनुसार जो है व्यवस्था कर सकें। तो ये लेटर तो प्रैक्टिकल भी जो है आप सभी साथियों जो है जल्द ही होगी। तो अपडेट पाने के लिए जो चैनल के साथ जो है निरंतर साथियों बने रहें। और दूसरी अपडेट मैं बता देता हूँ, जो MPSW भर्ती की बात जो है काफ़ी लंबे समय से युवा देख रहे हैं, तो उनके लिए जो है एक सकारात्मक और पॉजिटिव खबर निकल कर सामने आई है, और खबर यह है कि भाई बहुत जल्द ही यानी जो 2024 में CET होना है, अगर वो CET हुआ तो जो है MPSW भर्ती आने के पूरे पूरे चांस हैं साथियों। तो MPSW भर्ती जो है CET 2024 एग्जाम के बाद देखने को मिल सकती है, अगर सभी साथी जो इसी तरह से प्रयास करेंगे और लगातार कोशिश करेंगे तो जो है अवश्य जो आपकी भर्ती आएगी। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जिस हिसाब से अभी प्रयास कर रहे हैं लगातार जो है कोई भी जो है BJP का MP आता है, MLA आता है, या कोई मंत्री आता है या मुख्यमंत्री आता है, तो उन सभी के आगे जो है अपनी मांग जो है मजबूत तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से जो है सभी साथी उठाते हैं। और जो कर्मचारी हैं चाहे वो स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ है या फिर MPHE एसोसिएशन, वो भी जो अपनी तरफ से जो पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं MPSW पदों को लेकर के, और जल्द ही वही MPSW मेल के जो पर लगे हुए हैं उनकी जो प्रमोशन लिस्ट भी जो है जनवरी या फरवरी के अंदर आनी भाई, जैसे ही उनकी प्रमोशन लिस्ट आती है तो भी जो है वैकेंसी जो है और खाली हो जाएंगी, तो उससे जो है खाली पोस्टें बढ़ेंगी घटेंगी नहीं बल्कि बढ़ेंगी। तो देखते हैं भाई जब प्रमोशन लिस्ट आती है तो उसमें जो है काफ़ी अंतर पड़ेगा, कि ये लगा लो कम से कम 100-150 वैकेंसी का तो आराम से अंतर पड़ना ही पड़ना है साथियों। तो आप जो है थोड़ा सकारात्मक रखें और MPSW भर्ती को लेकर के जो है लगातार जो कोशिशें करते रहें और आप अपने तरीके से जो मांग उठाते रहें, और मैं भी अपने हिसाब से जो आप सभी साथियों की मांग उठाता रहूँगा। तो अब बात दूसरी कर लेते हैं साथियों कि जो तीसरी अपडेट है, दो अपडेट तो मैंने दे दी आपको, एक तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर के और दूसरी जो है MPSW मेल की भर्ती को लेकर के, और तीसरी अपडेट जो मैं आपको देने जा रहा हूँ साथी वो है HKRN के अंदर जो है क्या कुछ धमाका हुआ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ
HKRN। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो साथ ही ये पेज खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर है हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो आपको ये ऊपर तीन ये दिखा डैश दिखाई दे रहे होंगे, तो इस पर जो आप क्लिक करेंगे तीन डैश वाले बटन पे और कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन यानी कैंडिडेट रजिस्टर एंड लॉगिन पर जो क्लिक करेंगे, तीसरा नंबर वाला कॉलम भाई होम पेज से नीचे देख सकते हैं आप, होम फिर अबाउट ये फिर डिपार्टमेंट लॉगिन और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर हम क्लिक जैसे ही करते हैं तो उसमें जो है आप सभी साथी क्योंकि बता दूँ कि जो है ये डाटा खुलता है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, तो परिवहन पहचान पत्र यानी पीपी डिटेल, इसमें जो है जैसे हम अपनी फैमिली आईडी फिलअप करेंगे तो फैमिली आईडी फिलअप करने के बाद साथियों इसमें जो है डिस्प्ले मेंबर दिखाई देता है। जैसे हम इस डिस्प्ले मेंबर पर क्लिक करेंगे तो फैमिली आईडी के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनकी डिटेल जो है ओपन हो जाती है और जिस कैंडिडेट ने जो है उस फैमिली में से फॉर्म अप्लाई कर रखा है या करना है तो उसको जो है उस पर क्लिक करना है उस मेंबर पर। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी और ओटीपी आने के बाद जो आपने जो अपनी पूरी डिटेल्स जो है अपनी सबमिट उसमें कर देनी है और अपना फोटो वगैरह साइन वगैरह अपलोड कर देना है तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन दोस्तों जिन कैंडिडेट ने नहीं किया है वो कैंडिडेट कृपया रजिस्ट्रेशन कर लें, बहुत अच्छा मौका है साथियों। और जिस रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो भी जो एक बार जो है इसमें अपनी फैमिली आईडी वगैरह डाल करके जो एक बार पूरा अपना चेक कर लें, अगर कोई कमी पैसा है तो उसको जो आप ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो आप तक जो है जल्द पहुँच सके। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।